नमस्कार, मैं प्रिया। आज 2 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,84,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 1,370 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,84,276 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 37, अरवल में 16, औरंगाबाद में 32, बांका में 24, बेगूसराय में 39, भागलपुर में 44, भोजपुर में 6, बक्सर में 8, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 80, गया में 25, गोपालगंज में 43, जमुई में 43, जहानाबाद में 20, कैमूर में 10, कटिहार में 16, खगड़िया में 9, किशनगंज में 12, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 42, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 45, नालंदा में 41, नवादा में 37, पटना में 259, पूर्णिया में 96, रोहतास में 46, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 26, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 28, सुपौल में 26, वैशाली में 27, पश्चिम चंपारण में 28। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,17,867 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 906 लोगों की जान जा चुकी है। बापू की 191वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस साल बापू की 191वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान निभाया था। आज के दिन उन्हें याद करते हैं। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 300 कंपनी CPF पहुंची बिहार। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के साथ ही प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। चुनाव आयोग ने पुलिसकर्मियों के साथ 300 कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए हैं। एक जिले से दूसरे जिले की सीमाओं पर भी चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। सघन निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं छोटे जिलों में 2 से 3 कंपनी पोस्ट को लगाया गया है। वहीं 3 चरणों में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। चुनाव से पहले एरिया डोमिनेशन को लेकर बिहार की 300 कंपनियां मिली हैं, जिसमें 255 दूसरे राज्य से आए जाएंगे, जबकि 45 कंपनी पहले से ही यहां पर मौजूद है। पटना का सोनू और अलवर की ज्योति रही ओवरऑल टॉपर। CET BEd प्रवेश परीक्षा 2020 का परिणाम गुरुवार के शाम को घोषित कर दिया गया। परीक्षा के स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। प्रोफेसर सिंह ने कहा है कि परीक्षा में 96.6% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। ओवरऑल छात्र में पटना का सोनू कुमार और छात्राओं में अरवल की ज्योति कुमारी टॉपर बनी है। प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि इस परीक्षा में कुल मिलाकर 94,676 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 91,495 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कहा कि मैं सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बता दें, 30 सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर परीक्षार्थियों का परिणाम का इंतजार चल रहा था। सोशल मीडिया पर धार्मिक जातीय भावनाओं को भड़काने पर दिखाई जाएगी सख्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग के बिहार दौरे पर ही इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने मीडिया से भी बातचीत कर लिया है। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काने और किसी भी तरीके के अप्रिय वाक्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कोविड-19 में करवाया जा रहा है, जो कोई आसान काम नहीं है बल्कि बहुत मुश्किल है। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण के दौर में भी चुनाव कराना कोई गलत फैसला नहीं कहा जा सकता। मासूम को चलती मालगाड़ी से निकालने के लिए लोको पायलट को किया गया सम्मानित। मालगाड़ी के इंजन के नीचे से मासूम को बचाने वाले बिहार के पटना के रहने वाले रेलवे के लोको पायलट अतुल आनंद को भारतीय रेलवे ने सम्मानित किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से फैली वीडियो में मालगाड़ी के इंजन के नीचे फंसे एक 2 साल के मासूम को रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद, लोको पायलट दीवान सिंह के साथ मिलकर बचाया था। मासूम को सकुशल बाहर निकालकर मां को सौंप दिया गया था, जिसके तहत उन्हें 5,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और शाबाशी दी गई। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 हुई स्थगित। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। राज्य में परीक्षा केंद्र की कमी के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से जल्द ही नई तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए आधिकारिक सूचना CSBC की आधिकारिक वेबसाइट CSBC.bis.nic.in पर उपलब्ध होगी। कांस्टेबल और सिपोए कांस्टेबल की परीक्षा, जो कि 14 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2020 को निर्धारित थी, स्थगित कर दी गई है। कांस्टेबल के लिए एडमिट कार्ड पर सप्ताह जारी कर दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बोर्ड परीक्षा के लिए कोई नया एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा।
तू चिंगारी बनकर उड़ी रे कविता को लिखने वाले कवि की बेटी उतरेंगी चुनावी मैदान में। बिहार के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नेता और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं इन सबके बीच साहित्य और संस्कृत के सहारे चुनावी राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भी कुछ लोग उतर रहे हैं। इसी कड़ी में पहला नाम है प्रख्यात कवि और साहित्यकार गोपाल सिंह नेपाली की बेटी सविता सिंह नेपाली का तू चिंगारी बनकर उड़ी रे जैसे कविता का दर्शन और दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे जैसे फिल्मी गीत लिखने वाले गोपाल सिंह नेपाली की बेटी हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर राजनीति के जरिए इस ख्याति को ऊंचाई तक ले जाना चाहती है। चुनाव आयोग ने दी दो टूक नसीहत। चुनाव आयोग ने बीते दिन दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत काम में गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा है कि चुनाव को लेकर डीएसपी समेत कई मुख्य सचिव को भी बाहर किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार किसी को रखती है वो नियम कानून के दायरे में ही काम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 1000 लोगों पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस निर्णय से बूथ की संख्या 65,333 से बढ़कर 106,506 हो गई है। बूथों की संख्या बढ़ने से कर्मियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल वोटर 7.29 करोड़, जिसमें पुरुष की संख्या 3.85 करोड़ जबकि महिला वोटर की संख्या 3.4 करोड़। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कई राजनीतिक दलों के साथ हमने बैठक भी कर ली है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता हैं। वो आज तक में विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर और कार्यकारी संपादक भी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना के विमेंस कॉलेज से की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में भी उन्होंने काम किया था, जिसके बाद उन्होंने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना शुरू किया था। उन्होंने न्यूज और सहारा के लिए भी काम किया है। इसके साथ ही 2009 के बाद से वो लगातार आज तक में बनी हुई है। वहीं 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए भी पुरस्कृत उन्हें किया जा चुका है। श्वेता ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास कार्यक्रम भी दिखाया था। वहीं साल 2004 के बाद वो लगातार आज तक में बनी हुई है। वहीं 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए पुरस्कार भी उन्होंने जीता था। इसके साथ ही श्वेता ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास कार्यक्रम भी दिखाया था। कैमूर में वाहन जांच के दौरान 41 किलो चांदी हुआ बरामद। कैमूर में वाहन जांच के दौरान 41 किलो चांदी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ पुलिस की तरफ से जगह जगह जांच की जा रही थी। जांच के दौरान स्विफ्ट कार में आ रहे लोगों का जांच किया गया, जो कि वाहन से लगभग 41 किलोग्राम चांदी बरामद हुआ है। गाड़ी में सवार चारों लोगों से पूछताछ के क्रम में 24 किलो चांदी का कागजात दिखाया गया है, जिसके लिए मामला संदिग्ध लगने पर पूरे चांदी को जब्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही उन चारों लोगों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर कैमूर जिले में SC/ST का गठन भी किया गया है। 2 अक्टूबर से बिहार के से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेल बिहार के दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। इस ट्रेन का परिचालन आज 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। स्पेशल ट्रेन पूर्वी चंपारण जिले के बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली तक चलाई जाएगी। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए 2 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वापसी में यह दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी के लिए 4 अक्टूबर को खुलेगी। एक ट्रिप चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन पूर्णतः आरक्षितों के लिए 4 अक्टूबर को खुलेगी। एक ट्रिप चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन आरक्षितों के लिए ही होगी, इस बात को साफ कर दिया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर से उतरेगी चुनावी मैदान में। राजनीतिक गलियारे से आई खबर के अनुसार प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाली है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि मैं IDSA डेवलपमेंट स्टडीज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स और चाणक्य के कहे अनुसार शासक बनने के लिए आवश्यक विषय पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की मैंने पढ़ाई की है। इसके साथ ही विकसित समाज के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार को 2025 तक भारत का नंबर एक और 2030 तक विश्व के श्रेष्ठ जानने वालों में एक बनाने का संकल्प लिया है, क्योंकि यह बिहार की वापसी का दशक है। 80 साल से ऊपर के वृद्ध और दिव्यांग के लिए घर से वोट देने की होगी सुविधा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के बिहार दौरे पर है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने आज पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा है कि निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काया गया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके साथ ही IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह चुनाव COVID-19 के माहौल में करवाया जा रहा है, जो कोई आसान काम नहीं है बल्कि कठिन है। हालांकि COVID-19 के संक्रमण के दौर में चुनाव कराना कोई गलत फैसला भी नहीं कहा जा सकता।
बिहार में 72 आईएएस अफसरों को बनाया गया चुनाव पर्यवेक्षक। कोविड-19 के माहौल में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पहले चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तैयारियां जोर शोर से। जल्द चुनाव को लेकर 72 आईएएस चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी आईएएस अधिकारियों की लिस्ट दे दी गई है। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कैडर के भीतर आईएएस अधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह अफसर उत्तर प्रदेश के अलग अलग पदों पर तैनात हैं। बूथों की संख्या बढ़ने पर मतदाताओं के लिए बीमा कराने से चुनाव आयोग ने किया इनकार। भारत निर्वाचन आयोग ने एक बूथ पर 1000 की जगह 700 या 500 मतदाता करने और मतदाताओं के लिए बीमा कवर किए जाने की मांग को इनकार कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 1500 से 1000 मतदाता एक बूथ किए जाने के निर्णय से राज्य में 65,333 बूथ से बढ़कर इनकी संख्या 106,507 हो चुकी है। इसको लेकर लॉजिस्टिक्स और मैनपावर की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में 6.7 करोड़ मतदाता थे जो बढ़कर 7.29 करोड़ हो चुके हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के धरोहर के गायब होने के बाद बेटे ने कही अहम बात। फणीश्वरनाथ रेणु के पटना के राजेंद्र नगर स्थित घर में लोगों द्वारा सामान उठाए जाने के बाद उनके धरोहर को ठेस पहुंचाने की बात कही गई है, जिसके बाद उनके बेटे ने कहा है कि आज हमारे बाबूजी की दूसरी बार जान चली गई है। बाबूजी ने 1972 में फारबिसगंज से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। उनका चुनाव चिन्ह नाव था। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीत गए तो छोटा उपन्यास लिखूंगा और हारे तो मोटा उपन्यास लिखूंगा, और वो चुनाव हार गए तो कागज की नाव उन्होंने लिखी थी। वहीं अब दूसरे लोग उठाकर इसे ले गए हैं। बता दें फणीश्वरनाथ रेणु मूल रूप से फारबिसगंज के हिंगरा ओराही के रहने वाले थे। बिहार के सभी कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन। बिहार में अनलॉक 5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसी को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इससे संबंधित अन्य निर्देश भी दे दिए गए। इससे पहले 30 सितंबर को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसमें आगामी 15 अक्टूबर से 50 की क्षमता से अधिक सिनेमा हॉल और फिर मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन का आयोजन करवाया जाएगा, इसके लिए उसे ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भाजपा पर बड़ा आरोप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले को लेकर फिलहाल सलाखों के पीछे चल रहे हैं, लेकिन सलाखों के पीछे अंदर रहने के बाद भी वो विपक्ष पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आवरण तले दलितों को इंसाफ भी नहीं माना जा रहा है। मासूम बेटियों के साथ सत्ता संरक्षित अमानवीय पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। भाजपीय सरकारों में दलित गरीबों और महिलाओं पर उपेक्षितों का जीवन पशु से भी बदतर बना दिया गया है। आपको बता दें लालू का यह ट्वीट यूपी में हाथरस मामले को लेकर हुआ है। राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने पर गिरिराज सिंह ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत पटना पहुंचे गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। पुलिस ने अपना काम किया है। हाथरस में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। इसके लिए वहां बाहरी लोगों को जाने पर जब प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगाई गई तो राहुल और प्रियंका वहां जाने की जिद पर क्यों अड़े थे। पप्पू यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में मिलाया भीमराव अंबेडकर के पोते की पार्टी से हाथ। पप्पू यादव के प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को प्रकाश अंबेडकर का साथ मिल गया है। वंचित बहुजन अटारी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से हाथरस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर इंसाफ दिलवाने की बात कही है। प्रकाश जावड़ेकर ने पप्पू यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनाव मैदान में साथ उतरने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को हाथरस की घटना पर पटना के सड़क पर उतरकर विरोध करने की बात कही है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल दिए गए नियम। 1 अक्टूबर से आपके लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परेशान करने के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बीते दिन से सेंट्रल मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 में कुछ संशोधन करने का काम किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ड्राइविंग करते वक्त अब साथ में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत खत्म हो चुकी है। अब आप गाड़ी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ सॉफ्ट कॉपी भी अब आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ सड़क पर अब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से सॉफ्ट कॉपी ही आपके काम आएगी।
कपिल शर्मा शो पर कीकू शारदा ने की मनोज वाजपेयी की बोलती बंद। कपिल शर्मा शो जो आजकल टीवी पर चल रहा है वो लोगों के चेहरों पर अपने आप मुस्कुराहट लाता है। इस वीकेंड शो में बढ़ चढ़ कर डॉक्टर मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा भी नजर आने वाले हैं। कपिल शर्मा के शो में पिछले हफ्ते महाभारत की पूरी टीम आई थी और फिर सितारों ने अपने से जुड़ेंगे। इसके साथ ही कपिल शर्मा के शो पर ये दोनों कलाकार मस्ती करते भी नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर चैनल की तरफ से प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो में कीकू शर्मा एक एंकर के रूप में नजर आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वही अंदाज में बोलते जा रहे हैं कि कोई हंसने पर मजबूर हो जाए। वीडियो में कृष्णा भी पलक बन कीकू संग बैठे दिखाई दे रहे हैं। बिना इंटरनेट के उपयोग से गूगल मैप का कर सकते हैं इस्तेमाल। गूगल मैप का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। गूगल मैप्स की मदद से ना केवल अपनी मौजूदा लोकेशन को शेयर किया जा सकता है बल्कि अगर आपको कहीं जाना है और रास्ता नहीं पता तो मार्ग के लोकेशन में पहुंचने में भी गूगल मैप आपकी मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नई जगह पर होते हैं और वहाँ नेटवर्क की समस्या होने लगती है और इसके कारण गूगल मैप्स को सही से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें ऐसे में ऑफलाइन मैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल मैप में ऑफलाइन मैप ऑप्शन दिया गया है। इस फीचर की मदद से बिना इंटरनेट या फिर नेटवर्क के भी गूगल मैप को ऑफलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले फ़ोन में गूगल मैप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टाइप कीजिए और फिर यहाँ आपको ऑफलाइन मैप्स ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद से लेकर आपको यहाँ पर टाइप करने को मिलेगा, जिसके बाद नीचे दिए गए डाउनलोड को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड होने के बाद आप इस लोकेशन को ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। मुंबई इंडियन ने किंग्स इलेवन पंजाब को दी मात। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 12वें मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 48 रनों से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बना सकी, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 45 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कायरन पोलार्ड ने 20 गेंद में नाबाद 47 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने भी 11 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए, जबकि इसके जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 143 रनों पर ही आउट हो गई और यह मुकाबला हार गई। पंजाब के लिए निकोलस पूरन ने 27 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। मयंक अग्रवाल ने 25 रन बनाए। कप्तान लोकेश राहुल 19 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही मैक्सवेल ने 18 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाए। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में 4 अंक के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई, वहीं पंजाब तीसरी हार के साथ अंक तालिका में 6वें नंबर पर लुढ़क गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सूरज कुमार, कुलवंत सिंह, संजीव कुमार, ज्योतिष कुमार, अमित कुमार, विजय यादव, चंदन कुमार, राम भाई, विष्णु पाठक, दिव्यांशु कुमारी, रिजवान खान, पवन दुबे, राजकुमार, राजा तिवारी, सौरभ सम्राट, संजीव यादव, रंजन सिंह, वासुकी कुमार, नीतीश राज पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।